दिल्ली टू मेरठ का ये सफर जो है उसके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे थे, लेकिन रैपिड रेल को लेकर भी थोड़ी और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। वंदे भारत एक्सप्रेस से भी तेज इसकी रफ्तार होने वाली है। मैक्सिमम रफ्तार जो होगी 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी होने वाली है। औसत रफ्तार 100 से 150 किलोमीटर होगी इसकी। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ तक का नेटवर्क जो है कुल 82 किलोमीटर का नेटवर्क रहने वाला है। कुल 25 रैपिड रेल के स्टेशन जो हैं वो होने वाले हैं। इसके अलावा जंगपुरा सरायकालेखा से मोदीपुरम डिपो तक रूट रैपिड प्रोजेक्ट पर 30,274 करोड़ रुपए की लागत आई है। जून 2025 तक पूरा नेटवर्क बनकर तैयार हो जाएगा। तो कल इसका पहले फेज की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और तमाम जो लोग हैं जो दिल्ली टू मेरठ ट्रांस जाते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी आपने रिपोर्ट के जरिए रैपिड रेल की सुविधाएं देखी थी, अब आपको इसकी रफ्तार से भी हम मिलवाते हैं, क्योंकि इस ट्रेन को पटरी का चीता कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि क्यों इसे पटरी का चीता कहा जा रहा है। अब रैपिड रेल की रफ्तार देख लीजिए। इस वक्त अगर उस ट्रेन की गति की हम बात करें, रैपिड रेल है, देश की पहली रैपिड रेल है, लेकिन जिस गति से इस वक्त दौड़ रही है उसका अगर हम आपको जीता जागता प्रमाण बताएं तो ये इस वक्त गाड़ी यानी कि ये जो रैपिड रेल है वो गाजियाबाद से साहिबाबाद की तरफ ट्रेवल कर रही है, और साहिबाबाद की तरफ जाते हुए इस ट्रेन की गति जो इस वक्त है वो लगातार देखिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे के 151-52 इस वक्त वो स्पीड जो है आप देखिए हमारे देश में गाजियाबाद से साहिबाबाद की तरफ ट्रेवल करते हुए 155 की जो गति है वो इस ट्रेन ने पकड़ी है। मेट्रो में भी एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व होता है और रैपिड रेल में भी एक स्टैंडर्ड कोच महिलाओं के लिए होगा। उनकी हिफाजत के लिए सुरक्षा कर्मी भी होंगे। इस रैपिड रेल में दो डिब्बे खास होने वाले हैं, यानी कि दो जो कोचेस होंगे वो अलग तरीके के होंगे। क्या होगा अलग? एक तो प्रीमियम कोचेस बनाए जाएंगे, वो प्रीमियम कोचेस भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जिस कोच में हम हैं वो दूसरा खास यानी कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित डब्बा होगा। महिलाओं के लिए स्पेशली इस ट्रेन में भी इस चीज को ध्यान रखा गया है कि वो डब्बा एक कोच आरक्षित हो जिसमें कि वो आराम से सफर कर पाए, और इस पूरी ट्रेन में भी एक सुरक्षा कर्मी तैनात होगा जो कि इस पूरी ट्रेन का एक सुरक्षा का ख्याल रखे। रैपिड रेल की खासियतों को जानते समझते और आपके लिए रिपोर्ट तैयार करते हुए हमारी यात्रा कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। हम साहिबाबाद से चले थे और वापस वहीं आकर इस ट्रेन से उतर गए। इस यात्रा के दौरान एक बात जो आपसे अब तक साझा नहीं कर सके वो है रैपिड रेल का किराया। यहाँ पर आप देखिए जो नोट डालने का भी ऑप्शन होगा, टिकट आप खरीदना चाहते हैं तो इस वक्त वो स्टैंडर्ड और प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम की लेना चाहते हैं तो प्रीमियम कोच में सफर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड है वो इस वक्त स्टैंडर्ड अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस वक्त वो साहिबाबाद से दुहाई डिपो की तरफ अगर आप लेना चाहते हैं टिकट तो अभी आपके पास यहाँ पर वो ऑप्शन नजर आएगा, और यहाँ पर आप दुहाई में दबाते हैं तो इस वक्त मैं आपको उसका किराया भी बता दूं। जो किराया होगा वो अगर इन 5 स्टेशन में आप 50 रुपए होगा, लेकिन जो मिनिमम किराया इस वक्त हमें नजर आ रहा है गुलदर तक का वो 30 रुपए है गाजियाबाद जाने का, यानी जो अगला स्टेशन है यहाँ पर वो गाजियाबाद 30 रुपए में आप जा पाएंगे, दुहाई 40 रुपए और दुहाई डिपो तक 50 रुपए आपसे लिए जाएंगे। और उसी के साथ अगर मैं पीछे आकर इस वक्त प्रीमियम कोच की तरफ जाकर दुहाई का दबाऊं तो यहाँ पर प्रीमियम में जो 50 रुपए लग रहे थे स्टैंडर्ड में वो प्रीमियम में आकर 90 रुपए उसका किराया हो जाएगा, और सिंगल जर्नी टिकट या रिटर्न टिकट आप लेना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर गुलदर 50 हो जा रहा है, लेकिन देखिए यही मैं अंतर आपको दिखा रहा हूँ कि प्रीमियम और स्टैंडर्ड कोच में क्या अंतर होगा। प्रीमियम के इस वक्त जो रेट्स थे वो 90 रुपए था, लेकिन अब वो स्टैंडर्ड में गुलदर 30 रुपए, गाजियाबाद 30 रुपए, दुहाई 40 और दुहाई डिपो जो है 50 रुपए है, और उसके साथ प्रीमियम के इस वक्त यहाँ देखें तो प्रीमियम में वो दाम बढ़ रहे हैं, किराया बढ़ रहा है, 90 रुपए हो रहा है और 50 रुपए मिनिमम इस वक्त यहाँ पर वो हमें नजर आ रहा है। इस वक्त अगर आप एक टिकट लेकर UPI बैंक कार्ड NCMC वॉलेट यानी कि वो नोट के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप नोट डाल पाएंगे, UPI ये सबसे बड़ी चीज है, QR कोड
इस वक्त होगा, उसको आप स्कैन करेंगे, उसके जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म पर हमने दो खास बातें और देखी। पहली बात कि प्रीमियम कोच के यात्रियों के लिए अलग से एंट्री पॉइंट है, और दूसरी बात उन्हें खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैठने की इतनी बेहतर व्यवस्था जो है। तो रैपिड रेल को लेकर काम की बात भी आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए रैपिड रेल में कुल 6 कोच होंगे। एक प्रीमियम कोच रहने वाला है, 5 स्टैंडर्ड कोच इसके रहेंगे। सभी कोच में आरामदायक सीटें होंगी ताकि कोई भी जो सफर करे उसको आसानी हो सफर करने में। एक कोच में कुल 72 सीटें यहां पर रहने वाली है। महिलाओं के लिए अलग से कोच होगा। प्रीमियम कोच में किराया ज्यादा होगा। प्रीमियम कोच में सबसे कम किराया 50 रुपए। इसके अलावा प्रीमियम कोच में 5 स्टेशन पर किराया 90 रुपए। स्टैंडर्ड कोच की बात करते हैं, सबसे कम किराया 30 रुपए। स्टैंडर्ड कोच में 5 स्टेशन होंगे और किराया 50 रुपए तक यहां पर रहेगा। रैपिड रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को रखी थी। मकसद ये था कि मेरठ से दिल्ली या दिल्ली से मेरठ का सफर करने वालों को आसानी हो, उनका समय बचे, लोकल ट्रेन की लेट लतीफी से उन्हें निजात मिले, क्योंकि रैपिड रेल दिल्ली के जंगपुरा से शुरू होकर सराय खाले खां, न्यू अशोक नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद होते हुए मेरठ साउथ नॉर्थ को पार करेगी और मोदीपुरम डिपो स्टेशन पर जाकर रुकेगी। अगर आप पैसेंजर ट्रेन में बैठकर साहिबाबाद से मेरठ या मेरठ से साहिबाबाद जाते हैं तो 1 घंटा 45 मिनट लगता है, जबकि रैपिड रेल से ये दूरी सिर्फ 30 से 35 मिनट में पूरी हो जाएगी। मेरठ से साहिबाबाद होते हुए दिल्ली 24 घंटे में सिर्फ 3 पैसेंजर ट्रेनें जाती हैं, लेकिन रैपिड रेल तो हर 15 मिनट में मिल जाएगी। जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन ने मेरठ रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन पकड़ी और उन यात्रियों से रैपिड रेल के बारे में पूछा जो रोजाना पैसेंजर ट्रेन में बैठकर मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ आते जाते हैं। मेरठ से हमने सुबह 5:50 पर वो ट्रेन पकड़ी, और खासकर इस ट्रेन को पकड़ने का हमारा सबसे बड़ा जो कारण ये था कि रोजाना जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इन ट्रेन्स के कारण आप देखिए बनती और बिगड़ती है, उनके लिए उनकी चीजों को उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए समझते हुए हम देख रहे हैं, और क्या वो बदलाव उनकी जिंदगी में आ सकता है जब वो रैपिड रेल दौड़ने लगेगी, मेरठ तक पहुंच जाएगी, तो वो क्या बदलाव आएंगे। तो जो लोग चलते हैं रेगुलर के लिए उनके लिए तो यही बेस्ट है, बट जिनके लिए अपना समय कीमती है वो तो उसी से रैपिड से आना जाना करेंगे। इससे ये फर्क पड़ सकता है सर, क्योंकि जो आदमी वहाँ कमरे पे पहले रह रहा है वो मेरठ तक अपने घर से ही एजुकेशन कर सकता है। अच्छा रहेगा, समय में प्रभाव पड़ेगा। समय में वो कह रहे हैं कि अभी कितना टाइम लगता है, अभी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अभी 1.5-2 घंटा लगता है दिल्ली पहुँचने में। मेरठ के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि रैपिड रेल आने से उनका समय बचेगा, और समय तो सबसे बड़ा धन है। वरुण भसीन, जी मीडिया, साहिबाबाद।